बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और आज का जो व्लॉग है बड़ा मज़ेदार होने वाला है। और मज़ेदार क्या होने वाला है आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। स्किन वाइटनिंग फेस ब्लीच, स्किन वाइटनिंग फेस ब्लीच एट होम, ठीक है, हमारा टॉपिक ये है। और हम लोग अक्सर औकात पॉलर से हम लोग ब्लीच करवाते हैं और वो रिज़ल्ट हमारा घर में नहीं आ पाता है। और हम लोग यही सोचते हैं यार हम लोग पॉलर से करवाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है फेस के ऊपर, और हम लोग वो उसी तरह हम ब्लीच घर में अप्लाई करते हैं तो वो सब रिज़ल्ट नहीं आता। तो मैं आज आप लोगों को बताती चलूँ कि पर्सनली मैं खुद कौन सी फेस ब्लीच यूज़ करती हूँ, वो सब मैं आज आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो इसमें आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने कौन सी फेस ब्लीच यूज़ करनी है, और बकायदा मैं बनाकर भी आप लोगों को दिखाऊंगी और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ फेस ब्लीच का डेवलपर दिखाऊंगी। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ सिल्की की ब्लीच यूज़ करती हूँ और ये है वॉल्यूम 20 है। ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को नज़र आ रही होगी वॉल्यूम 20 है। और आप लोग इसको किस तरह घर में यूज़ करेंगे, इसके छोटे जार भी आते हैं, छोटे बॉटल्स आती हैं, सॉरी ये बड़ी बॉटल है, ये बिग साइज़ है, और आप लोगों को इसमें छोटी भी मिल जाएगी। तकरीबन छोटी जो होगी 450 आई थिंक सो डेवलपर है, और 450 या 550 के करीब इसकी छोटी बोतल का पाउडर है, ठीक है। तो मैंने तो खैर बड़ी क्वांटिटी के अंदर लेके रखा हुआ है और मैं अभी आप लोगों के साथ ये इसका ये मेरे पास सिल्की का कलर है, कलर कह रही सॉरी पाउडर है। ये बच्चों ने थोड़ा सा कलर इसके ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास सिल्की का पाउडर है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ओपन करके इसका क्या है पाउडर, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप लोगों को ये एक इसका स्कोप मिलेगा, सेकंड ये शॉपर के अंदर ये पाउडर आप लोगों को मिलेगा। इसका पाउडर जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, डिवॉल्वर भी एक्सपेंसिव है, बट पाउडर भी इसका काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब मैं आप लोगों को इसको बनाकर दिखाऊंगी कि आप लोग इसको किस क्वांटिटी के अंदर, आप लोग अगर सेंसिटिव स्किन है, मेरी तो स्किन बहुत पतली है सेंसिटिव है, तो मैं अपनी स्किन के हिसाब से इसको बनाकर आप लोगों को दिखाने। अच्छा, ये हमारे पास एक खाली कटोरी है, बाउल है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपने फेस के हिसाब से डिवॉल्पर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डिवॉल्पर की क्वांटिटी जस्ट एक फेस की है, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बनाती। और ये है कि मैं अब इसके अंदर किस क्वांटिटी के अंदर पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, ये स्कोप के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नंबर मेंशन है, 500, 1500 और 2500, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है। अब हम लोगों ने इसको, मैंने जो लिया है, मैंने लिया है 500 के करीब लिया है, और अब मैं इसको ऐड करने वाली हूँ इस बाउल के अंदर। आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरे फेस के हिसाब से है, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है, तो बट ये ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल थोड़ा सा है। और जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा स्किन मोटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी ले ले। और अब मैं इसको आपको मिक्स करके दिखाऊंगी, ये हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये हमारा मिक्सचर रेडी है, आप लोग देख रहे होंगे मिक्सचर, ठीक है। अब मैं इसको आपके सामने अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह क्लींजिंग कर लेनी है। मैंने अपने फेस के ऊपर जस्ट क्लींजिंग कर ली है, और ये है कि मैं अब सिंपल आप लोगों को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी व्लॉग के अंदर ना मैं आपको क्लींजिंग करना भी सिखाऊंगी कि आप लोग अपने फेस के ऊपर किस तरह क्लींजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने फेस के ऊपर। ये सबसे पहले आपने यहाँ के हेयर कवर करने हैं। अच्छा, ये अच्छी तरीके से फेस के ऊपर अप्लाई करनी है ताकि फेस के ऊपर कहीं पर भी कोई हिस्सा छूट ना जाए। काफ़ी दिन हो गए थे तो ये है ना कि मैंने भी फेस के ऊपर ब्लीच नहीं की, अब टाइम नहीं मिल पा रहा, आईब्रो बनवानी थी, तो इंशाल्लाह ताला अपनी फ्रेंड को बुलाऊंगी घर पे, ईद से पहले ही अब बनवाऊंगी, अभी क्या करना बनवा कर भी। तो ये है कि थोड़ा सा फ्रेश लुक आ जाता है, आईब्रो बन जाए ना फेस के ऊपर। अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, घर के कामों में मसरूफ़ रहती हूँ, और जाहिर है डेली फॉर्म में वीडियोस क्रिएट करना भी बड़ा मुश्किल हुआ होता है,
आज तो बिल्कुल मतलब मैं बड़ा लेट व्लॉग बना रही हूँ, आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं बड़ी परेशान थी। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और मेरा ऊपर का घर है तो स्किन पे मेरे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, थोड़ी सी वीकनेस बहुत ज़्यादा मुझे हो रही थी। तो ये है कि मैं सो के वक्त गुजार रही होती हूँ। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर घर के अंदर कौन कौन सी फेस ब्लीच यूज़ करते हो। मैं तो जो यूज़ करती हूँ वो है सिल्की, और आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि कौन कौन सी। अक्सर लोग जो गर्ल्स हैं ना ओलिविया यूज़ कर रही होती हैं, उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती ओलिविया के लिए, बट मेरे फेस के ऊपर सूट नहीं करती। ये आपने एयर को भी अच्छी तरह कवर करना है। उससे हटके थोड़ा सा ज़्यादा नीचे नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी शर्ट न्यू है और मेरी शर्ट का कलर उड़ जाएगा। ये देख रहे हो आप, अभी से ही मेरी स्किन जो है ना वो रेड हुई भी है, तो मैं ज़्यादा जो है वो नहीं यूज़ कर रही हूँ गले पे। इसको वॉश करने के बाद ना मैं आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करती हूँ। तकरीबन आपने इसको लगा के रखना है, जस्ट आपने लगाना है। जिसकी हार्ड स्किन है वो 15 मिनट लगा ले, जिसकी सेंसिटिव स्किन है जैसे कि मेरी है, मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं इसको लगाऊंगी तकरीबन 10 मिनट भी ज़्यादा है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है, रेड होना शुरू हो जाती है। अभी से देख लेना ये रेड निशान वैसे ही ऑलरेडी पड़े में। तो ये है कि मैं इसको वॉश करने के बाद आप लोग अच्छा ये मेरे फेस पे रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे, ये ग्लोइंग कर रही है स्किन और काफ़ी मतलब क्लीन हो गया है चेहरा, ठीक है। तो ये है कि आप लोग भी इसको इजीली घर में यूज़ कर सकते हो। अब मेरी आईब्रो नहीं बनी हुई, अब मेरी एक दफ़ा आईब्रो बन जाए और ये है कि फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग भी इसी तरह ये वाला ब्रांड का मतलब जो प्रोडक्ट है आप लोग यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा आप लोगों ने कमेंट करना है और उसके साथ साथ आप लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर भी करना है, सपोर्ट भी करना है। और दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।